जय श्री राधे दोस्तों, राशिफल की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खरमास का महीना चल रहा है। इस महीने में शुभ कार्य सहित शादी विवाह भी नहीं किए जाते, लेकिन विवाह की तैयारी ज़रूर होती है। हालांकि ग्रह नक्षत्र के प्रकोप की वजह से कुछ लोगों की शादी में अनेक बाधा आती है, जिस कारण उनकी शादी समय पर नहीं हो पाती। ऐसे में कुछ लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं उनकी शादी कब होगी। ऐसे में आज हम आपको सर्व सिद्ध उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे अपनाने से आपके सारे तारे एक साथ हो जाएंगे और आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। आइए जानते हैं। दोस्तों, हमने आपको एक अन्य वीडियो में यह बताया था कि राशि अनुसार किस महीने में किसकी शादी होती है और राशि अनुसार शादी की सही आयु क्या है। आज हम आपको राशि अनुसार पूजा करने की विधि बताने जा रहे हैं, जिसे करने से आपके सारे ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपकी शादी की सारी बाधा दूर हो जाएगी। मेष राशि। इस राशि के लोग भगवान भोलेनाथ को शुक्रवार के दिन सफ़ेद फूल पूजा में भेंट करें। ऐसा करने से आपकी शादी की सारी बाधा दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि। इस राशि के लोग जल्दी शादी होने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें लाल पुष्प अवश्य भेंट करें। मिथुन राशि। इस राशि के लोग जल्दी शादी होने के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीला पुष्प भेंट करें। कर्क राशि। इस राशि के लोग जल्दी शादी होने के लिए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें और पीपल वृक्ष को जल अर्घ देकर दीपक जलाएं। सिंह राशि। इस राशि के लोग जल्दी शादी होने के लिए शनिवार के दिन काले तिल जलधारा में प्रवाहित करें। कन्या राशि। इस राशि के लोग जल्दी शादी होने के लिए गुरुवार के दिन जल में हल्दी मिलाकर केले की जड़ में अर्घ दें। तुला राशि। इस राशि के लोग जल्दी शादी होने के लिए मंगलवार के दिन गरीबों को भोजन कराएं एवं कुछ मीठा खिलाएं। वृश्चिक राशि। इस राशि के लोग जल्दी शादी होने के लिए शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ को इत्र और जल अर्पित करें। धनुराशि। इस राशि के लोग जल्दी शादी होने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को ध्रुवा अर्पित करें। मकर राशि। इस राशि के लोग जल्दी शादी होने के लिए सूर्यदेव को जल में रोली रखकर अर्घ दें। मीन राशि। इस राशि के लोग जल्दी शादी होने के लिए तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़ाना राशिफल सहित धार्मिक जानकारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज के लिए इतना ही। एक नए दिन नए राशिफल के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जय श्री राधे।